ये सारी अवेलेबल है, पूरा शो भाई फुल हाउस हो रखा है, पूरा पूरा हाउसफुल है भाई। आगे का शो है तो हाउसफुल तो रहना ही बनता है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो वो आया जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा था, तुम्हारा भाई आर के सर से, संजय सर से एंड वानी जी से मिलके आया था। तो आज का प्लान ये है कि फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, आज संडे का दिन है, तो आज अपन लोग भाई लोग जा रहे हैं सारे के सारे, सारे तक सारे क्या दो ही जा रहे हैं, विजय भाई हो रहे हैं, मैं हो गया, हम दोनों जा रहे हैं मूवी वूवी देखने, यहीं पर पी वी आर साकेत में जा रहे हैं। फिलहाल निकलते हैं, 2 बजे का शो है हमारे, अभी फिलहाल 1 बज रहा है, तो चलते हैं फिर मूवी दिखाते हैं, आपको भी थोड़ा बहुत इन्जॉय करवाते हैं। आपको लोकेशन तो बताना दिखाना भूल गया मैं, यहाँ पर भी तुम्हारा भाई खतरनाक लोकेशन में, एक फ्रेंड का ही मतलब घर है यहाँ पे साकेत में, तो वहीं से मतलब पास में हमारा 5 मिनट का रास्ता पीवीआर का, तो वहाँ से लोकेशन दिखा दूँगा पूरा कुतुब मीनार वगैरह सब दिखता है, यहाँ से दिखा दूँगा। वो ऐसी है कुछ अपनी लोकेशन, ये है कुछ भयंकर वाली लोकेशन, ये देखिए अपना सामने कुतुब मीनार, जब भी देखो आराम से मतलब रिलैक्स होकर बैठ रहा था, रूम से पूरा का पूरा कुतुब मीनार सब दिखता है, और रात को लाइटिंग जल जाती तो और भी ज़्यादा मस्त लगता है, मतलब पूरी। बस एक बात तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स का घर है ना सही लोकेशन में, मतलब वहाँ से आगे जाके लोकेशन नहीं तो मस्त मस्त दिखती है, पूरा हरियाली गिरनी दासों की दासू, ये चीज़ तो है मेरे ग्रुप के अंदर कि हाँ जहाँ भी लेंगे तो मस्त लोकेशन में लेंगे, मतलब रूम रूम हमेशा मस्त वाला। तो फिलहाल चलते हैं, चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं जैसा भी सीन बनता है। फिलहाल 5 मिनट में तुम्हारा भाई पहुंच गया है यहाँ पीवीआर साकेत, तो तुम्हारे भाई ने लगा दी स्कूटी, अब देखो पार्किंग की पर्ची वर्ची करते हैं। और ये अपने विजय, हेलो विजय, बार बार दिखते रहते हो, क्या सीन है, मेरे साथ ही रहते हो क्या तुम? सेलिब्रिटी। ओके, ये कुछ अपना पीवीआर दोबारा से रेनोवेट किया है, पूरा का पूरा पूरा का पूरा, मतलब 1-1.5 साल बाद बनाया दोबारा दोबारा, पहले पूरा पूरा बंद कर रखा था 1-1.5 साल, तो इधर से आओ ना, 1-1.5 साल तक बंद कर रखा था, अब दोबारा खोला है यहाँ पे, अभी कुछ 2-4 महीने ही हुए इनको, और मास्क भी चलाने लग गए दोबारा से, तुम्हारे बारे में दोबारा मास्क वास्क डाल लेगा, चलान से बचना भैया, या तो मूवी देख लो तो चलान ही कटवा लो। अपनी जो हमने ऑनलाइन कराई थी वो तो कैंसिल हो गई है, लेकिन हम यहीं पे आके कर रहे हैं, ये सारी अवेलेबल है, पूरा शो भाई फुल हाउस हो रहा है पूरा पूरा, हमने ये तो किया ही, लेकिन अलग अलग जाएंगे इसको एडजस्ट कर देंगे हम। फिलहाल तुम्हारे बारे में जीरो में कर रही है, इसका प्राइस भाई बाद में बताऊंगा, फिलहाल चलते करते हैं, अभी टिक बुक करते हैं यहाँ पे। अपना है 3rd फ्लोर, ए पता नहीं कौन सा ऑडी ए 4 था, ऑडी 4 3rd फ्लोर का, अपना हमेशा चढ़ाई चढ़ाई हमेशा दिखती रहती है यार, गलत बात है ये। ये तो कितना नीचे आ रहा है, तुम्हारा ऐसे छू देगा कोई, बहुत छोटा है ये। फिलहाल पहुंच चुके अपना ये 4 पे 3rd फ्लोर। और गाइस जब मैं तो लास्ट फिल्म आई थी अपनी संजू रणवीर की आई थी, तभी आया था मैं लास्ट भी, और आज 3-4 साल बाद अब आ रहा हूँ मैं, मतलब शमशेरा देखने के लिए। और तुम कब आए थे लास्ट? मैं तो भाई हैरी पॉटर, हैरी पॉटर देखने, मतलब वही है जो फेवरेट है अपना, उसी की फिल्में देखने आता हूँ मैं ज़्यादातर, और कुछ नहीं सीरियसली, और किसी की फिल्म आ जाए मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ। जैसे आर के की फिल्म आएगी तुम्हारा भाई फुल परफेक्ट है यार, भाई आ चुके हैं, ओपन हो चुका है, डोर सारे ओपन हो चुके हैं, अब सीधा अंदर जाने का टाइम आ गया, तुम्हारा भाई शुरू में ही पहले आ गया था, अब देखो अब क्राउड कितना हो गया, ये दोबारा तो उसी दिन की तरह हो गया, तुम्हारा भाई इस टाइम वहाँ पहले ही पहुँच गया, और यहाँ पर देखो क्राउड पूरा फुल हाउसफुल है भाई, आगे का शो है तो हाउसफुल तो रहना ही बनता है। इतनी मस्त सीट मिली है तुम्हारे भाई को, सीधा मिडिल की, कैसा लग रहा है? मजा आ गया। मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पूरी दिखाता हूँ आपको, ये सीधा सीधा अपने पूरे के लेट के साथ अपना लेट के देखेंगे दोनों भाई पूरी शमशेरा। हाँ हाँ शुद्ध सिंह ने आज देख भी लिया, अरे बख्श दे इस गोरे फौजी को, कब तक इन जंगलियों को बचाता फिरेगा? गोरी मैं पहन दे, हाँ
जिंदा रहता है। हाथ हाथ में भी तो फर्क होता है। बॉयज या तो बाहर निकलते पूरी बारिश बारिश होने लग गई। अब घर कैसे जाने में जुआई। सो बॉयज फाइनली अब रूम में पहुंच चुके हैं और कसम से इतनी तेज बारिश होने से जैसे हम जहाँ पर डी एंड हुआ ना, जैसे मूवी का डी एंड हुआ उसके बाद जैसे एग्जिट में निकले उतनी तकड़ी बारिश। थर्ड फ्लोर में थे, जैसे हम फर्स्ट फ्लोर में आए तुरंत बारिश बंद एकदम। और बात करी जाए मूवी बॉयज, कसम से मूवी में एकदम मज़ा आ गया, धांसू मज़ा। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मतलब 60-40% अप डाउन था, लेकिन जैसी मतलब उसको पता चलता रणवीर को मतलब सेकंड जनरेशन को कि मेरे डैडी ऐसे थे, उसके बाद तो बाबा मूवी का खतरनाक क्लाइमेक्स मतलब धांसू एकदम से मोड हुआ मूवी का, एकदम पलटी मारी जो मूवी ने एकदम धांसू, मजा आ गया मूवी देखने में गाइस। और साथ में मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं साथ में एक दो सीट खाली थी और जो साथ में एक गलती से एक बच्चा आ गया, सीट ली थी, बच्चे ने ऐसा तंग कर दिया ना वॉइस, बारिश एकदम से तेज हो गई तुरंत ही, तुरंत बच्चे ने ऐसा तंग कर दिया कि हालत ही खराब हो गई। इंटरवल तक तो रोता ही रहा हो, मैं रोता ही रहा हूँ। मैं हालात में बोला यार क्या सीन है ये, ना ही ढंग से मतलब अट्रैक्शन हो ही नहीं रही थी बिल्कुल भी मूवी में। बच्चा रो रो के उसने ऐसी तैसी कर दी, फिर फाइनली उसके मम्मी पापा बाहर लेके गए बच्चे को, मतलब सारी ऑडियंस भी हो गई थी और लगा लो पूरी ऑडियंस बोलने लग गई, अरे भैया जी, तो फिर हो गया था बच्चे की वजह से। लेकिन मज़ा आ गया, लेकिन इंटरवल के बाद जो मूवी स्टार्ट हुई है धांसू एकदम, और बारिश भी कसम से तेज पड़ने लगी तुरंत। मैं आपसे बात करते करते आपको मैं दिखाया ना, बारिश एकदम धांसू पड़ने लगी। देखो आप दोबारा देखो, ये बारिश देखो यहाँ पे बारिश कैसे पड़ रही है, फुल सेकंड में पता ही चला है कब कब स्टार्ट हो रही है, कब बंद हो जा रही है। ये था कि पूरा पैसा वसूल मूवी में, पूरा पैसा वसूल, कोई दिक्कत नहीं थी मूवी में। फिलहाल खैर मूवी तो अच्छी रही, अपना रणवीर से ही मिल गए, आप वेट करेंगे मतलब जॉब आएगी ब्रह्मास्त्र अपनी, वो भी सितंबर में आएगी तो उसका वेट करेंगे। अब जहाँ उसका प्रमोशन होगा तो देखेंगे, कहीं जा पाए तो, अगर पता चलिए तो टाइम से पहले, तब देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी बारिश वारिश पड़ रही है तगड़ी, बनवाते चाय वाय बनवाते, पकौड़े वकौड़े, पकौड़े तो क्या ही बनाएंगे यार, यहाँ पे सारे लड़के हैं वो तो चाय ही बनाते, वही गनीमत है। फिलहाल अब देखो वेदर का मजा लो यार, हम वेदर का दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। क्या सीन बनता है, जैसे भी सीन बनेगा मैं बताता हूँ आपको। फिलहाल चाय वाय बनाते हैं, मस्त हवा चल जाए, लोकेशन भी एकदम धांसू है, लोकेशन का मजा लेते हैं, फिर चाय वाय मारते हैं। भाई बना दोगे चाय उसको, अरे भाई बना दो यार, संतोष भाई बना दो यार, प्लीज प्लीज थोड़ी सी तो बाकी भाई को बोल दे, देख रहे मैं जरा व्यू। फिलहाल कोई नहीं,